बिग बॉस के घर में फाइनली दूसरा इविक्शन हो चुका है और बेबिका दुर्वे जो है वो बिग बॉस के घर से आउट हो चुके हैं। लेकिन बेबिका के आउट होने के बाद आगे ट्विटर पर बाकी जगह पर क्या माहौल है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूस और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांगू। आपको बता दूं कि यार बेबिका जो है बहुत अच्छा उनका गेम रहा, बहुत अच्छे लोगों ने उनको पसंद किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि यार बेबिका जो है वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है, उनका गेम समझ में नहीं आ रहा। चलो हम एक पॉइंट पर ये भी एक्सेप्ट कर लें कि उनका गेम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भाई टॉप फाइव, वो भी बिग बॉस में टॉप फाइव तक पहुंचना, जबकि ऑलरेडी आपसे ज्यादा नोन फेसेस बिग बॉस के घर में थे, ऑलरेडी आपसे ज्यादा लोग चर्चित थे, ऑलरेडी आपसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले लोग थे, लेकिन उनके बीच में भी अपनी जगह बनाना, बोलते ना भीड़ में अलग दिख कर आने, अलग दिख कर आना भी भाई उसमें भी अपना अलग मजा है जो बेबिका ने करके दिखाया है। और ये मानना पड़ेगा यार, जो भी है, मैं हमेशा बेबिका के बारे में, मैंने लाइफ में कितनी बार बोला है कि यार बेबिका का गेम समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब वो निकली तो कहीं ना कहीं ये आप एक जर्नी जैसे उनकी देखो पीछे, तो बेबिका ने हर मुद्दे पर अपने ओपिनियन रखे। हाँ, बस उनके ओपिनियन प्रेजेंट करने का तरीका गलत था। मैंने ये कभी नहीं बोला कि बेबिका गलत है, बेबिका का गेम सही था, बस ओपिनियन प्रेजेंट करने का तरीका गलत था। लेकिन आज जो चीज़ सलमान खान ने बोली वो चीज़ हम सब बोलेंगे कि यार पूरा हिंदुस्तान आज कम से कम बेबिका को जानता है। ये बेबिका जब बिग बॉस के घर में आई थी तो उनको कोई नहीं जानता था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई कौन है, किसको ले आए, लेकिन आज सब कोई जानता है कि भाई बेबिका दुर्वे कौन है। तो अभी फिलहाल बेबिका आउट हो चुकी हैं, टॉप थ्री मिल चुके हैं एल्विश, मनीषा और अभिषेक। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।